शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में लगातार बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज फिर एक बड़ी कार्रवाई थाना हाईवे पुलिस और स्वाट की टीम ने की है, जिसमें शहर में हुई दर्जन भर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चोर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जहां पर उसके कब्जे से 20 लाख रुपए से ऊपर का सोना चांदी और तमंचे कारतूस के साथ एक गाड़ी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि थाना हाईवे और स्वाट टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में मैनपुर के रहने वाले एक शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में SSP ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। देखिए एक रिपोर्ट। जनपद की SOG टीम और थाना हाईवे की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी जिसका नाम नंद किशोर है, जो थाना औछा जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ तथा उसके कब्जे से लगभग 20 लाख के आसपास के सोने चांदी के आभूषण, घरों में सेंध लगाने, दरवाजा तोड़ने, ताला तोड़ने के सामान, उसके अतिरिक्त कैश और महिंद्रा लोगान गाड़ी, असलाह कारतूस इसके पास से बरामद हुआ। कुल 12 घटनाएं जो जनपद में हुई थी, सभी शहर की घटनाएं थी, उसको इसने किया जाना कबूला। ये बंद मकानों में चोरी करता था और बड़ी सफाई से अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करता था, जिससे ये लगे कि ये गाड़ी घर के ओनर की है, और बड़ी सफाई से बंद घरों को पूर्व में रेकी करके ये निशाना बनाता था और वहाँ से सामान चोरी कर लेता था। इसके ऊपर कुल 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एक अंतर्राज्यीय अपराधी है, इसके विरुद्ध भरतपुर में भी मुकदमे मिले हैं। अभी अन्य आपराधिक इतिहास, अभी तक ये आपराधिक इतिहास मिला है, अभी अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है, आज यहाँ से गिरफ्तार करके इसको भेजा जा रहा है, और इसकी गिरफ्तारी के साथ कुल 12 मुकदमे, जिसमें 9 थाना हाईवे क्षेत्र के, 2 थाना सदर और 1 थाना रिफाइनरी क्षेत्र के घरों की चोरियाँ थी, वो वर्कआउट हुई हैं।